हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 9th ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्ट नंबर 8 में हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा है और इस पार्ट में हम कर रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, ये जो थ्योरी है ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी कहलाती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें जो थी ये मैक्स प्लैंक ने बताई थी 1900 में। 1900 में उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसे कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहा गया और इसी को आगे फर्दर एक्सटेंड किया गया आइंस्टीन द्वारा 1905 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी की, जो कि बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो पार्टिकल नेचर की होती हैं। हमने अभी तक वेव नेचर पढ़ा, अब जो बताई जा रही है बातें वो हो रही है पार्टिकल नेचर की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका विकिरण। क्या चीज़ है ये? फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। ब्लैक बॉडी क्या है? एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, एंड रेडिएशन एमिट्स बाय बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया है, अगर उस पर लाइट डाली जाती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, लाइट डालने पे लाइट रिफ्लेक्ट होना आम बात है ये, पर यदि किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डाली जाए और वो रिफ्लेक्ट ही ना हो, सपोज ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, रिफ्लेक्शन ज़ीरो है, यानी लाइट आई है लेकिन उसका रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, जब रिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वापस उसे छोड़ नहीं रहा है, कोई भी तरीके का उसने अपनी लाइट को वापस रिफ्लेक्ट नहीं किया है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो ऑब्जेक्ट ब्लैक दिखेगा। ब्लैक बॉडी आइडियल बॉडी है। ब्लैक बॉडी जो है वापस से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ये एमिट्स करती हैं। किस कंडीशन पे? थर्मल इक्विलिब्रियम पे। थर्मल इक्विलिब्रियम पे किसी भी ब्लैक बॉडी जो भी रेडिएशंस आ रही है, जैसे देखिए ये रेडिएंट एनर्जीज हैं, लैम्डा वन लैम्डा टू, अलग अलग वेवलेंथ की जो है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की, अलग अलग वेवलेंथ की जो भी रेडिएंट एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, ये उसको ब्लैक बॉडी जो है उसका परफेक्ट एब्जॉर्बर है, उसको 100% जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। और एक थर्मल इक्विलिब्रियम आने के बाद में ये जो जिसने एब्जॉर्ब किया है वह ब्लैक बॉडी जो है वो अपनी सारी की सारी जो एक्स्ट्रा वाली जो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया है उसके बाद जो है ये एमिट करना स्टार्ट करता है। परफेक्ट एमिटर भी है ये, परफेक्ट रेडिएटर है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और जो एमिट कर रहा है ये रेडिएशंस उसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। समझ रहे हैं बच्चों? ये थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तब भी पॉसिबल होगा, उससे पहले ये एब्जॉर्ब करता ही रहेगा जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम आने के बाद में ये एमिट करना स्टार्ट करेगा, ये रेडिएशंस निकालना स्टार्ट करेगा, और जब ये एमिट करेगा तो उस रेडिएशंस को कहा जाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। समझ रहे हैं बच्चों? इस चीज़ को अच्छे से समझें। जैसे कि एक सन है, सन जो है परफेक्ट ब्लैक बॉडी का आपका एग्जांपल है, जो कि सारी की सारी वेवलेंथ और सारी की सारी फ्रिक्वेंसी वाली जो लाइट है वो एमिट करता है। जो हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जो स्पेक्ट्रम पढ़ा है वो लाइट का ही है। तो सन जो है सारी के सारी लाइट्स जो है देता है, आपका कॉस्मिक रेज हो या गामा हो या यूवी हो या विजिबल रेंज हो या फिर कहा जाए तो रेडियो या फिर आईआर कहें, तो सारी के सारी फ्रिक्वेंसी की रेंज, सारी के सारी वेवलेंथ जो है सन के द्वारा एमिट होती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके पास। उसके बाद अगर हम बात करें, क्या हम बना सकते हैं कोई ब्लैक बॉडी? बना सकते हैं? सन तो हमारे हमसे बहुत दूर है, ये नेचुरल है, अगर हम चाहें तो कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक देखिए, एक बात करते हैं, जब हम एक लेते हैं एक स्फीयर लिया, इसको कि हमने अंदर से काला कर दिया है, ठीक है, अंदर से हमने इसको काला कर दिया है, और एक छोटा सा छेद रखा है एक बीम के डालने के लिए, एक प्रकाश के पुंज डालने के लिए, एक लाइट का एक सोर्स के लिए पर छोटा सा छिद्र इसमें रखा है, उसके द्वारा हम एक बीम इसमें डाल दें सपोज, और ये जो है बीम इसी से वापस रिफ्लेक्ट होते होते इसी में ही रह जाए,
तो इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। इस तरीके से एक एग्जांपल है कि मतलब परफेक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये देखिए थ्योरेटिकल बात है कि कोई भी ब्लैक बॉडी परफेक्ट 100% एब्जॉर्ब कर लेती है और 100% एमिट कर लेती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर जैसे हम बात करें एक लोहे की रॉड है, आयरन रॉड है, जिसे कि हम फर्नेस यानी भट्टी में गर्म कर रहे हैं। जब हमने फर्नेस में भट्टी में लोहे की रॉड को गर्म किया तो सबसे पहले जो है ये देखिए अबव 4000 केल्विन के ऊपर विजिबल रेंज यानी ऐसे रंग दिखाई दिए जो हमारी आँखों से देखे जा सकते हैं। इस आयरन रॉड में कलर्स आने लगे जो कि हम देख सकते हैं। सबसे पहले डल रेड कलर, और ज़्यादा हमने उसको हीट किया तो ऑरेंज कलर, और हीट किया तो येलो कलर, और हीट किया तो वाइट कलर, और हीट किया तो ब्लू कलर। यानी डल रेड से लेके डल रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट, ब्लू तक की रेंज हमारे पास आ रही है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, आयरन रॉड को जब हमने फर्नेस में गर्म किया है तो ये सारी रेंज आ रही है अबव 4000 केल्विन के ऊपर, क्योंकि विजिबल रेंज जो है वो 4000 केल्विन से ही स्टार्ट हो रही है। तो अबव 4000 केल्विन के ऊपर हमें विजिबल रेंज में सारे के सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारे कलर्स जब हम देखें कि विबग्योर है ये हमारे पास जो विजिबल रेंज है, विबग्योर जो है 400 nm से लेके 400 nm से लेके जो रेड तक है 750 nm तक की रेंज है हमारे पास, जिसमें कि राइट टू लेफ्ट आने पर जो है लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं आप बात, लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हमें जो रेड कलर शो हो रहा है तो वो देखिए रेड कलर जो है हायर वेवलेंथ का है, क्योंकि रेड से वॉयलेट की तरफ आते वक्त लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, तो रेड की जो है वेवलेंथ वो हाई है। रेड जो है हाई वेवलेंथ का है और लो इंटेंसिटी का है, इसकी इंटेंसिटी लो है जबकि वेवलेंथ हाई है। वेवलेंथ और इंटेंसिटी ये दोनों इर प्रपोर्शनल हैं एक दूसरे के, तो रेड की जो हाई वेवलेंथ है इसकी इंटेंसिटी लो है, जबकि ब्लू में, यहाँ ब्लू देखिए वॉयलेट इंडिगो देन ब्लू, यहाँ जब ब्लू आ रहा है सबसे लास्ट में हमारे पास ब्लू आ रहा है वहाँ से, तो जो ब्लू की जो लोअर वेवलेंथ है, क्योंकि हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ की तरफ आ रहा है राइट टू लेफ्ट, तो ब्लू का जो है लोअर वेवलेंथ है लेकिन इसकी इंटेंसिटी हाई है। तो हाई इंटेंसिटी है ब्लू की जबकि इसकी वेवलेंथ लो है। यानी सपोज हमने बात की कि टेम्परेचर के साथ साथ इसके इंटेंसिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो टेम्परेचर और इसकी इंटेंसिटी इसके वेवलेंथ के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। उस कनेक्शन को देखने के लिए एक ग्राफ बनाया गया है, ये आप सभी बच्चों को अच्छे से दिख रहा होगा ये ग्राफ, जो कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में बनाया गया है। इसमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट दिखाया गया है, जैसे कि राइट टू लेफ्ट आने पर सबसे पहला वाला जो कर्व है जो कि लैम्डा मैक्सिमम दिखा रहा है आपका 2000 वेवलेंथ पे, देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो है टेम्परेचर T1 है, T1 टेम्परेचर जो है उस पर राइट टू लेफ्ट आने पर ये जो वेवलेंथ है ये सबसे मैक्सिमम दिखा रहा है 2000 पे, जबकि सेकेंड कर्व जो है T2 टेम्परेचर पे है, T2 टेम्परेचर जो है वो T1 से ग्रेटर है। T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर, और इसका जो लैम्डा मैक्सिमम है वो 1000 एंड 2000 की रेंज के बीच में आ रहा है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हमारा जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है, और साथ साथ में इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। ये तीनों चीज़ें हो रही है, यानी देखिए आप राइट टू लेफ्ट आने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जबकि लैम्डा जो है वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लाइट जो है इसकी जो इंटेंसिटी जो है वो टेम्परेचर, लाइट जो है वो टेम्परेचर इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी की, ब्लैक बॉडी जो है जो कि परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर मानी जाती है, क्या ये एक साथ सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, एक साथ सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर एक साथ सारी की सारी एनर्जी को रिलीज कर देती है? ऐसा नहीं होता है। ये जो ब्लैक बॉडी है जो मिनिमम अमाउंट पर छोटे छोटे बंडल्स के रूप में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और या फिर एमिट करते हैं, तो मिनिमम छोटे छोटे बंडल्स के रूप में एमिट करते हैं, उन मिनिमम छोटे छोटे बंडल्स को कहा जाता है क्वांटा या क्वांटम। क्वांटम कहा जाएगा जब वो सिंगल रूप में है और बहुत सारी क्वांटिटीज़ में है तो वो क्वांटा कहलाएगा। जब हम बात करते हैं, यहाँ देखिए रेडिएंट एनर्जी जो है जो कि एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी के द्वारा, हमने अभी ब्लैक बॉडी को देखा है,
ठीक है। तो ये जो ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएंट एनर्जी को जो एब्जॉर्ब कर रही है या एमिट कर रही है, ये डिसकंटिन्यूसली कर रही है, लगातार ना करके, सतत ना करके डिसकंटिन्यूसली कर रही है, रुक रुक के कर रही है, और जो कि क्या हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी। ये स्मॉल पॉकेट्स कहलाते हैं क्वांटम, सिंगल पॉकेट अगर कहा जाए ये सिंगल पॉकेट है क्वांटम, अगर बहुत सारे पॉकेट्स हो गए स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी तो क्वांटा कहलाएंगे। और देखिए इन केस ऑफ लाइट, जब हमने बात की रेडिएंट एनर्जी की तो वो कहलाया क्वांटम, जबकि बात की जाएगी अगर लाइट की तो वो जो फॉर्म है, ये एनर्जी जो फॉर्म क्वांटम के फॉर्म में है उसे कहा जाएगा इज नोन एज फोटोन। लाइट के रूप में अगर ये एनर्जी है तो वो फोटोन कहलाएगी, ठीक है। और वही के वही एनर्जी रेडिएंट एनर्जी के रूप में है, रेडिएंट एनर्जी क्वांटम है और ये लाइट के रूप में फोटोन है, बात एक ही है दोनों का, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, इस क्वांटम की एनर्जी देखी जाए, क्वांटम ईच क्वांटम की जो एनर्जी है, ई जो है वो एच न्यू के बराबर है। न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी है। एच क्या है? एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, जिसकी की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻²⁷ अर्ग या फिर 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, जो कि है प्लैंक कांस्टेंट। अब अगर बात की जाए कि जो एनर्जी है वो एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब्ड हो रही है बाय द बॉडी विल बी, किसके बारे में बात की जा रही है? ब्लैक बॉडी के बारे में। तो ये क्या होगा? विल बी सम होल नंबर क्वांटा, ये एक सम होल नंबर होगा, जैसे कि E इज इक्वल्स टू, क्या हमने कहा E इज इक्वल्स टू एच न्यू है, इसके आगे जब हम सम होल नंबर लगाएंगे तो E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। एन क्या है? एनी इंटीजर है ना। अगर एन की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इस पूरी की कैलकुलेशन ज़ीरो हो जाएगी, तो E इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। एन की वैल्यू वन है तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ई की एन की वैल्यू अगर दो है तो E इज इक्वल्स टू टू एच न्यू। एन की वैल्यू थ्री है तो E इज इक्वल्स टू थ्री एच न्यू। इसी तरीके से E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू के रूप में कहलाएगा। तो ये हमने बात की है कि एनर्जी जो है या रेडिएशंस जो है ये छोटे छोटे बंडल्स के रूप में है, जैसे कि हम फोटोन कहते हैं या क्वांटम कहते हैं। इसकी एनर्जी देखी हमने, ठीक है। तो आज हमने ये पार्ट किया है, इसमें हमने बात की है कृष्णिका विकिरण यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में, जो कि बता रहा है कि जो रेडिएशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ये पार्टिकल नेचर की होती है, जिससे कि हम क्वांटम कह रहे हैं या फोटोन कह रहे हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारा वो है इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 10 में, जिसमें हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।